हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आदर्श क्लासेस। आज आम रोगी सेवा पाठर एक नंबर रु तीन नंबर जे क्वेश्चन आंसर करवा से वीडियो को शेष पर्यंत देखु। आउ चैनल को सब्सक्राइब करन थिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेबे चलंतु आज आम रोगी सेवा पाठर एक नंबर रु तीन नंबर जे प्रत्येक क्वेश्चन रो सटीक आंसर को डिस्कशन करवा। तो प्रथम जीवा आम एक नंबर को, एक नंबर किसी दुई मार्क क्वेश्चन देखे कौन देखे आस कथबार्ता हाँ। प्रथम क्वेश्चन कही से समय ग्रामवासी मानकर डाक्टर विषय कौन धारणा थी, से समय ग्रामवासी मानकर डाक्टर विषय कौन धारणा थी। देख ये जाक तुम दुई मार्क क्वेश्चन पढ़ी पारे एग्जाम है, तुम एस ए वाने हो कि एफ ए वाने हो, एफ ए वाने तुम एक मार्क क्वेश्चन पढ़ एस ए वाने तुम दुई मार्क क्वेश्चन पढ़ी पारे से जाक बहुत भल भाव प्राक्ट करदे बुझा पड़ा। तो एक नंबर क्वेश्चन कही से समय ग्रामवासी मानकर डाक्टर विषय कौन धारणा थी, कौन धारणा थी ना ग्रामवासी मानकर धारणा जे केवल कटाकटी करवा हूँ डाक्टर काम है। ग्रामवासी मानक धारणा थी जे केवल कटाकटी करवा कौन जे डाक्टर काम। ख नंबर क्वेश्चन जीवा छोट पाने कहीं वैद्य को देखी डरुले, कहीं डरुले ना कहीं वैद से कौन जे वैद से समय पा पिठी पाक बेकर चढ़ु दिखती से पिले देखने कौन जे डरुले बुझा पड़ा। तापर कटा कटा घर चिकित्सा विषय स्वास्थ्य रक्षा बही में कौन लिखा था, कटा घर चिकित्सा विषय स्वास्थ्य रक्षा बही में कौन लिखा था ना कटा घर दुब छेची कि पार्टी चोबाई लगेदे रक्त बोवा संगे संगे बंद हो जाए हेला, संगे संगे बंद हो शीघ्र घा सुखी बोली स्वास्थ्य रक्षा बही में लिखा था। स्वास्थ्य रक्षा बही में कटा घा विषय कौन लिखाई था ना कटा घरे दुब छेची कि पार्टी चोबे की लगेदे रक्त बोवा संगे संगे बंद हो घा कौन शीघ्र सुखी बोली लिखाई था। तापर जी आम घ नंबर क्वेश्चन को कौन दे वैद्य गोड़ कटा घा सुखाप क्यों जिनस व्यवहार करूला, क्यों क्यों जिनस व्यवहार करूला आंसर है वैद्य गोड़ कटा घा सुखाप कौन धूप घास को व्यवहार करूला है, कटा घा को सुखाप कौन जे कौन धूप घास को व्यवहार करूला। तापर जी आम वन नंबर क्वेश्चन को कौन देखिए सुदूरिया ना किए, सुदूरिया ना किए ना सुदूरिया होती सुदर्शन प्रहराज, सुदर्शन प्रहराज कौन कह जाए सुदूरियाना से जड़े बलिष्ठ कर्मठ आउ पर दुख कतर व्यक्ति है। तो सुदूरियाना किए ना सुदर्शन प्रहराज बुझा पड़ा जेक जड़े बलिष्ठ कर्मठ आउ पर दुख कतर व्यक्ति। तापर जीवा आम दुई नंबर क्वेश्चन को कौन दे दुई बा तीनो धाड़ी में उत्तर लिख, दुई बा तीनो धाड़ी में उत्तर लिख, यक तुम तीन मार्क क्वेश्चन ना दुई मार्क क्वेश्चन पढ़ी पार एफ ए वाने आउ एस ए वाने बुझा पड़ा। तो देख प्रथम क्वेश्चन कही कौन कही जहा करे साई ताहा कहारी हाथ में ना, लेखक बापा एक कहीं जहा करे साई ताहा कहारी हाथ में ना, लेखक बापा एक कहीं कहीं जहा विधाता विधान ताहा ही हुए है, जहाँ विधाता विधान थाए ताहा ही हुए ये मनुष्य किसी आयत न थाए, लेखक बापा मृत्यु हटा प्रसंग में यह कहुए, लेखक बापा मृत्यु हटा प्रसंग कहुए जहाँ विधाता विधान थाए ताहा ही हुए ये मनुष्य किसी आयत न थाए। ओके तापर जी आम ख नंबर क्वेश्चन को बोर स्नेहपूर्ण आदेश लेखक भांगि न पार कारण कौन, बोर स्नेहपूर्ण आदेश लेखक भांगि न पार कारण कौन, कारण कौन देख लेखक बो असुस्थ थे, लेखक कटक जावाक बो को अनुमति मागवर से आउ दुई दिन रहा लेखक को आदेश दे अस्वस्थ शरीर आरे बाबू श्याम घन गीत गाइले तेणु लेखक बो को स्नेहपूर्ण आदेश भांगि पारे ना है, लेखक बो को देह कौन असुस्थ था बुझा पड़ा। तो लेखक कटक जावाक बो को अनुमति मागवर से आउ दुई दिन रहा लेखक को आदेश दे अस्वस्थ स्वर गीत गाइले जो कौन ना आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभवन ये गीत गाइले तेणु लेखक बोर स्नेहपूर्ण आदेश भांगि पारे ना। तापर जी आम ग नंबर क्वेश्चन को सुदर्शन प्रहराज व्यक्तित्व किपर थी, सुदर्शन प्रहराज
ଯାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସୁଦ୍ରିଜାନା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସୁଦ୍ରିଜାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ଥିଲା? ଦେଖ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ମହାନ। ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କର୍ମଠ ଆଉ ପର ଦୁଃଖ କାତର ବ୍ୟକ୍ତି। କାମରେ ଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ? କିପରି କରୁଥିଲେ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ପାଣି ପକାଇକି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ନିୟମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିରେ ଜଗି ବସିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା, ଦେହରୁ ଉତ୍ତାପ ମାପି ଚାର୍ଟରେ ପୂରଣ କରିବା, ପଥି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀ ସେବା କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା, ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ପକାଇକି ପାଣି ସିଝେଇକି ପିଏଇକି ଦେବା, ରୋଗୀ ପାଖରେ ରାତିରେ ଜଗି ବସିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖୁଆଇବା, ଦେହରୁ ଉତ୍ତାପ ମାପିକି ଚାର୍ଟରେ ପୂରଣ କରିବା, ପଥି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀ ହେବା କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ତାପରେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହେଲା, 3 ନମ୍ବର କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମର। ହେଲା, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯାକ ତୁମର 5 ମାର୍କ କିମ୍ବା 6 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିଥିଲେ? ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ଗୋଟେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଲେଖକ ପରିଚୟ, ପ୍ରାବନ୍ତିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଥିଲେ ସେବାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ସେବାକୁ ପରମଧର୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ସେବା କରିବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ହେଲା, ଯେମିତି ଏଇଠି ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ କିମ୍ବା କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଏକଦା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ କାଚ ଫୁଟି ଯେଉଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇବା, ଯତ୍ନରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବା, ପାଦ ଆଉଁସି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥିଲେ। ପରେ 1927 ମସିହାରେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା ପୀଡ଼ିତ ପିତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାରେ ସେ ହେଳା କରିନଥିଲେ। ମଇଳା ସଫା କରିବା, ବିଛଣା ସଫା କରିବା, ରାତି ତମାମ ଜଗି ରହିବା, ଦେହପାଦ ଆଉଁସି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖକଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଲେଖକ କଟକର ଦତ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। 103 ଡିଗ୍ରୀ ଜ୍ୱରରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ଦେବା, ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷିଦେବା, ଡାକ୍ତର ଡାକି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା, ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖକ ଆକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତେ ସେବା କରି ଲେଖକ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଇଏ ଥିଲା ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରିଥିଲେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସେବା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସେବା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଦେଖ ଲେଖକ ପରିଚୟ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ରଚିତ ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତହିଁର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ଥିଲା ପାଠ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର କିପରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଋଷି ପ୍ରତିମ ହରିହର ଦାସ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ରୋଗୀ ସେବକ ରୂପେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
सत्यवादी स्कूल रे छात्र माने पानी अनुसार प्रतिदिन रोगी सेवा करंती। छात्रवास रो कोनोसी पिला ज्वर बा अन्य किछि बेमार रे पड़िले ता पाखरे राति दिन बसी रहंती। डाक्तरखाना रो ठीक समय रे औषध आनी खुएबा, निर्दिष्ट बेळ रे देहर उत्ताप मापी चार्ट रे पूरण करबा, दुग्ध बार्ले सागो प्रसारणी पत्र आदि संग्रह करि आनी पथि कराइबा इत्यादि कार्य छात्र माने करंती। जहार जेउदिन पाणी थाए सेइ दिन निष्ठार सहित या करिथे। रोगीर मुंड गोड़ चिपिदेबा, झाड़ा परिसरा बिछणा को सफा करिबा इत्यादि कार्य छात्र माने करिबाकु कुंठा करंतु नाही। सत्यवादी वन विद्यालय छात्र माने रोगी सेवा करिया को एई भोल हबरे शिक्षा दिया जाउथला। हैला तो ये थिला तमर तीन नंबर ख नंबर क्वेश्चन कौन, सत्यवादी वन विद्यालय छात्र माने रोगी सेवा कहीं शिक्षा दिया जाउथला। ओके तापर जीवा में ग नंबर क्वेश्चन को, ग नंबर क्वेश्चन देखिबा कौन दे छि, आचार्य महाशय छात्रावास शिक्षार्थी मान सेवा करार कारण कौन थिला। आचार्य महाशय छात्रावास शिक्षार्थी मान सेवा करार कारण कौन थिला, देखो प्राबंधिक उदयनाथ षडंगी थिले ओडिया साहित्यर अन्यतम प्रतिभा, जड़े शिशु साहित्यकर भावे स्वतंत्र ख्याति रही। रचित टू कुमुसी, जह्नमामू, मिनीर मनकथा आदि शिशु साहित्य और टमकक्का कुटीर अनुवाद विशेष कृति। रोगी सेवा शीर्षक गद्यरे से सेवा को मनुष्य परम धर्म रूपे वर्णना करने सहित तो आश्चर्य महाशय छात्रावास सेवा कर मूल में जो मूल लक्ष्य था वर्णना कर। देख सत्यवादी स्कूल थी एक आदर्श विद्यालय, सेठार आश्चर्य महाशय थे जड़े आदर्श शिक्षक। से स्कूल रोगी सेवा थी पाठ्य गोटे अंग, छोट छोट पिलामानकर समस्त दायित्व आचार्य महाशय जत्न सहित नौते। सेठे छोट छोट पिलांक देहरे सृष्टि होता काछुकु सका निमपत्र सीझा गरम पानी रे आचार्य महाशय निजे धोई सफा करते। पिलामानक प्रति तांकर एभले स्नेह भाव थिला जे कष्ट होतले मध्ये सेमाने लाजरे मुह को विकृत करनथिले। आचार्य महाशय मजा मजा कथा सब कही सेमानक मन को सरस करथिंती, पिलामाने काछुदुवा कष्ट जाणी पारंती नाही। आचार्य महाशय प्रत्येक निर्देश रे पिला माने प्रतिदिन पाळी करी रोगी सेवा करंती। जहार पाळी थाए से सकाळे गोटे गोटे छोटो ग्लास रे किछि किछि निम छिलिबा, चिरेइते सिजा पाणी प्रति पिलांकु दिए, जेते बड़ अरुचि होइतले मध्ये ताहाकु से खाइथे। आचार्य महाशयंकर स्नेह ओ भय पिला मानको नियंत्रित करथे। छात्रावास रे कोनोसी पिला ज्वर बा अन्य किछि बेमार रे पड़िले आचार्य महाशय निर्देश क्रमे रोगी सेवक छात्र रे ता पाखरे बसी थे। निर्धारित समय रे देहर ताप मापी चार्ट रे लिखे रोगीर समस्त प्रकार सेवा करिया रे अवहेला होइ नथे। वास्तविक आचार्य महाशय को छात्र वस्त्रता तांकर छात्रावास रे शिक्षार्थी मानक सेवा करिया को उत्साहित करथे। तो ये थिला तो तीन नंबर ग नंबर क्वेश्चन, आचार्य महाशय छात्रावास रे शिक्षार्थी मानक सेवा करिया कारण कौन थिला। ओके तो आज आम देखिले रोगी सेवा पाठर एक नंबर रु तीन नंबर जाए क्वेश्चन आंसर। ओके नेक्स्ट क्लास आम देखा चार नंबर रु बार नंबर जाए। ओके नेक्स्ट क्लास आम चार नंबर बार नंबर जाए प्रत्येक क्वेश्चन सटिक आंसर कौन हम देखा। तो आशा करूँ आज वीडियो समस्त को भल लगे, जदि भल लगे तो गोटे लाइक करूँ, आउ चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिखाँ। आज भी ये कि पुणे देखा नेक्स्ट वीडियो रे, धन्यवाद।